मलेरिया जो है एक पैरासाइट बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मच्छर के काटने से होता है। इन्फेक्टेड मच्छर जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से जो इन्फेक्टेड होते हैं मच्छर, उनके काटने से मलेरिया बीमारी होती है। जब मच्छर काटता है तो उसका जो लार सलाइवा होता है, जब वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है तब ये जो पैरासाइट है वो हमारे खून में आता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब ये जो पैरासाइट है ये हमारे लीवर में जाता है, वहाँ पे ये ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और आगे डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसका जीनस है, इसकी अलग अलग स्पीसीज़ हैं जो इस बीमारी को पैदा करती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसमें फैल्सीपेरम की वजह से जो मलेरिया होता है वो बहुत ही मतलब घातक होता है। मलेरिया मैंने बताया, बेसिकली मलेरिया जो होता है एक पैरासाइट बॉर्न डिजीज़ है। जो पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में मच्छर के काटने से आता है। जो मच्छर हैं, मच्छर की भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो उसमें जो एनाफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से ये पैरासाइट हमारे खून में आता है, हमारे लीवर में जाता है और लीवर में जाने के बाद वहाँ पे ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और फिर हमारे खून में जाता है, और खून में जाने के बाद वहाँ पे ये खून को जो लाल कोशिकाएं होती हैं उनको तोड़ता है। तो इसमें एक लक्षण ये भी आता है खून टूटने की वजह से कि जो हमारा खून होगा वो कम होगा। बेसिकली ये जो मच्छर है जो हमें काटता है, ये हमारे अगल बगल घरों में, जैसे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जहाँ पे गंदगी हो, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है। मलेरिया एक पैरासाइट बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसका जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी इत्यादि। जब हमारा शरीर मच्छर के काटने के बाद जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्ट होता है तो उसके 10 से 14 दिन बाद हमें लक्षण आना शुरू होते हैं, जिसमें बुखार लगना, जूड़ी आना, शरीर में दर्द होना, बदन का दर्द होना, पेट में दर्द होना, सिर का दर्द होना, ये सारे लक्षण आते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि जूड़ी लगकर बुखार आना, रात में पसीना भी आता है मरीजों को। अगर ये मलेरिया कॉम्प्लिकेट करता है तो मिर्गी का दौरा आना और मरीज कोमा में भी जा सकता है। जब एनाफिलीज मच्छर काटने के बाद जब 10 से 14 दिन बाद हमें मलेरिया के लक्षण लगे, जैसे मैंने बताया कि बुखार आना, जूड़ी लगना, रात में पसीना आना, तो अगर ये सब लक्षण आपको लगते हैं तो जो जांचें करानी होते हैं, इसमें आप कराते हैं कि मलेरिया पैरासाइट का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है, ब्लड खून की जांच होती है जिसमें हम मलेरिया पैरासाइट को देखते हैं। कुछ एडवांस जांचें भी हैं जैसे पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जिसको PCR भी बोलते हैं, बट ये वाली जांच हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि बीमारी कैसी है। जैसे अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो हम बेसिकली एंटीबायोटिक थेरेपी और एंटी मलेरियल थेरेपी पे स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में देखना है कि कितना कॉम्प्लिकेशन है, कहाँ का कॉम्प्लिकेशन है, कैसा कॉम्प्लिकेशन है, मरीज को ICU की ज़रूरत तो नहीं है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे सेरिब्रल मलेरिया हो गया, जिसमें दिमागी मलेरिया का बुखार हो गया, तो मरीज को ICU में भर्ती करना पड़ता है और एंटी मलेरियल ड्रग स्टार्ट की जाती हैं। साथ ही साथ जो दिमाग की दवाइयां हैं, जैसे झटके ना आने की दवा, दिमाग में सूजन कम करने की दवा, ये सारी दवाइयां चलती हैं। एंटीबायोटिक्स में जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, और एंटी मलेरियल ड्रग्स में जैसे आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इत्यादि दवाइयाँ चलाई जाती हैं। बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमें अपने अगल बगल ये देखना है कि कहीं कोई पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा, छत पे, टंकी के अगल बगल, कूलर में, इन सब जगहों पे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उनको साफ़ करिए, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर ये जो एनाफिलीज मच्छर है वो अपना रिप्रोड्यूस करता है, और जिससे हमें खतरा रहेगा। दूसरी चीज़, हमें क्या करना है, मच्छर से बचाव करना है। तो बहुत सारे लोशन क्रीम्स ऐसे आते हैं जो एंटी
मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, तो हम उसे भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमें पूरी बाही का शर्ट, फुल स्लीव शर्ट्स को भी पहनना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। मलेरिया का जो मरीज़ है उस दौरान अगर खान पान की बात करें तो हमें सबसे पहले देखना है कि उसको लक्षण कैसे हैं। जैसे अगर मलेरिया के मरीज में पेट दर्द, उल्टी होना, तो अगर इन सब तरीकों के लक्षण हैं तो हम सादा खाना ना, और लिक्विड डाइट हो गई, सॉफ्ट डाइट हो गई, खिचड़ी दलिया, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं शुरू में। बाद में चीज़ें सारे लक्षण अगर ये सब सही होते हैं तो हम नॉर्मल खाने पे स्विच कर देते हैं मरीज को। अगर किसी को बुखार आ रहा है और बुखार के साथ जूड़ी आ रही है, अगर लगता है कि मलेरिया है और वो अपना मलेरिया का उपचार घर पे कर रहा है, घरेलू चीज़ों से कर रहा है, घरेलू उपचार कर रहा है और किसी चिकित्सक के पास नहीं जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये एक गलत चीज़ है। क्योंकि जितना उस बीमारी के बारे में एक चिकित्सक को पता है, आप घर पे उसका इलाज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ की अगर मान के चलें कि आपको मलेरिया हो ही गया है और आप उसका घरेलू उपचार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मलेरिया है, अगर वो कॉम्प्लिकेट हो गया तो इससे जान का खतरा भी बनता है। जैसे अगर ये मलेरिया दिमागी बुखार पे चला गया, दिमाग का मलेरिया हो गया, जिसको सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं, तो जिसकी वजह से दिमाग में सूजन आना, दिमाग के खून की नसों में सूजन आना, और जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा आना और कोमा में भी मरीज जा सकता है, तो ये अपने आप को जानबूझकर एक जान को जोखिम में डालने जैसा काम है। तो मेरे हिसाब से मेरी राय यही है कि जब भी आपको कोई ऐसा लक्षण लगे तो आपको चिकित्सक की परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। मलेरिया का जो पैरासाइट है उसकी वजह से जो लक्षण आता है, जो हमारे अंगों को प्रभावित करता है, वो किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। मेनली इसमें जैसे बेसिकली सबसे पहले तो जो लक्षण है वो तो यही है कि बुखार, जुड़ी लग के बुखार आना, रात में पसीना आना, सबसे पहले लीवर को अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारी जो RBCs हैं, रक्त कोशिकाएं लाल वाली, उनको ये प्रभावित करता है, जिसकी वजह से RBCs टूटती हैं और खून की कमी भी होती है हमारे शरीर में। दूसरी चीज़, ये मलेरिया जो पैरासाइट है इसकी वजह से दिमाग को भी प्रभावित कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये दिमाग पे जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज करेगा, जिसकी वजह से मरीज कोमा में भी जा सकता है। ये हमारे फेफड़ों को भी अफेक्ट करता है, जैसे फेफड़ों में प्लूरल बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन होना, फेफड़ों में पानी आना, फेफड़ों का इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें ये करता है। तो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी कर सकता है ये।